तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं फिजिक्स में
हमारे पास हमारे लिए ये कैलकुलस और वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, और खास बात, अगर मैं ये कहूँ कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो आपको बताना बहुत आसान है कि दो पॉइंट के दरमियान एक्स सर्कल हो तो भी आसान है, लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ सिलेंड्रिकल कोन वगैरह, वहाँ पर ये सिचुएशन बहुत मैसी या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो नहीं रहता जिस पर हम आदि हैं, क्योंकि हम जो आदि हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है एक्स वाई जेड, लेकिन जो कोन या एलिप्सॉइड या हाइपरबोलॉइड जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसमें ये सिचुएशन मैथमेटिक्स तो सेम रहेगी लेकिन सिचुएशन जरा डिस्क्राइब करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उधर हम लैग्रांज इक्वेशन यूज करते हैं, तो हम इस चैप्टर में लैग्रांज इक्वेशन का इंट्रोडक्शन भी बताने वाले हैं कि वो क्या है, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा जो उम्मीद है सर पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 7 वो लैग्रांज इक्वेशन पे ही होगा, एक बड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो स्टार्ट लेते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, क्या ये शॉर्टेस्ट पॉइंट है या नहीं, कैसे कहूं कि ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है,
यहाँ पर यकीनन अगर मैं ऐसे नक्शे बनाऊँ तो मैंने अलग से कंसीडर किया यकीनन अगर मैं कहूं कि इन दो पॉइंट्स पर यहां पर x की क्वांटिटी कुछ और होगी यहां पर y की क्वांटिटी कुछ और होगी लेट्स से अगर मैं इसके हिसाब से देखूं इधर कोऑर्डिनेट है जो आएंगे इस पॉइंट के वो p1 x1 कॉमा 1 लेट्स से और यहां पर p2 इज इक्वल्स टू x2 कॉमा 2 मैं ले लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस क्या है तो या डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप यकीनन डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। वो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बहुत वाकिफ है इससे लेट्स से मैं इस जो डिस्टेंस है उसको ds कह देता हूं एक स्मॉल डिस्टेंस है तो ये d रिप्लेस हो जाएगा ds से और x2 माइनस x1 को मैं रिप्लेस कर देता हूं dx से और y2 माइनस y1 को मैं रिप्लेस कर देता हूं dy से। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बचेगा वो ये बनेगा ds इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो इन शॉर्ट मुझे इंटीग्रल लेना एक लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा ds का वो बता देगा कि इस ये जो पूरा कर्व है जो पूरा पाथ है उसके दरमियान टोटल डिस्टेंस क्या है तो फाइंड आउट करते हैं। Okay.